नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा ही आपको देवघर झारखंड लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी देवघर झारखंड में इस वक्त मौजूद हैं और बार बार प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जनता को बीजेपी के क्या कुछ काम किए गए हैं अब तक और क्या कुछ आगे पांच साल में वादे हैं, मैनिफेस्टो हैं, वो अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश है जनता तक। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। वो भी दो दिन से मैदान में पहुंच गए और जमकर के मुझे गालियां दे रहे हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस में इस समय बड़ी बड़ी बैठकें चल रही है, व्यूहरचना की जा रही है कि कैसे नामदार को बचाया जाए। कुछ भी करके कांग्रेस अपने नाम पर, अपने नामदार पर हार की जिम्मेदारी नहीं आने देना चाहती। इसलिए कांग्रेस में अभी नाखून काटकर शहीद होने वालों की होड़ मची हुई है। करके कांग्रेस अपने नाम पर, अपने नामदार पर हार की जिम्मेदारी नहीं आने देना चाहती। इसलिए कांग्रेस में अभी नाखून काटकर शहीद होने वालों की होड़ मची हुई है।